ओपन हुआ मेरा पर्ली एंड फाइनली दो पेपर बनते अलग अलग ये सब दिए। इधर से ऊपर मेन हाईवे से, अच्छा ये हाईवे निकल रहा है। इट विल बी अ टफ राइड फॉर मी क्योंकि सुना है कि टोटल ऑफ रोड है। हाँ जी लक्की भाई, कहाँ चल दिए सामान पैक करके? चलो भाई चलो, फाइनली आज आ ही गया है वो दिन। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं मुस्तांग एंड मैं लगा रहा हूँ सामान पैक पे। सात भाई को बना दिया आज मैंने कैमरामैन एंड हमारी एक ड्यूक खड़ी है यहाँ पे देख सकते हो एंड मेरी गोरी जा रही है। इट विल बी अ टफ राइड फॉर मी क्योंकि सुना है कि टोटल ऑफ रोड है। अभी मैंने जैकेट वैकेट कुछ नहीं डाला, अभी फुल पैकअप होना बाकी है। जस्ट मैं बैग पैक कर रहा हूँ एंड अभी निकलना है। तो फाइनली मुस्तांग इज ऑन गाइज, तो पूरी वीडियो देखना। बताऊंगा आपको रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, फुल अपडेट दूंगा। इट्स जनवरी 2023 जो कि साल का मेरा पहला राइड है मुस्तांग राइड एंड वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम। तो ड्रीम पूरा होने जा रहा है फाइनली एंड अब निकलने वाले हैं। तो सामान जल्दी जल्दी पैक करते हैं एंड निकलते हैं। वसीम भाई निकाल रहे हैं बाइक, मेरे वाली वार्म अप हो चुकी है, ड्यूक हमारी बाढ़ खड़ी है। तो हम पोखरा आ गए थे फिर से, तो जा रहा हूँ बस मैं। अब तीन दिन बाद मिलूँगा मैं आगे, ठीक है? अच्छा तो गाइज चलते हैं। अभी फाइनली हमको परमिट का 50% काम बाकी था तो वो कंप्लीट करना है। तो फिलहाल अभी परमिट इमिग्रेशन ऑफिस जाना है एंड वहाँ से कंप्लीट करके निकलना है। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, रास्ते में मिलता हूँ सीधा आपको। सो गाइज घर से निकलते हुए फॉर मुस्तांग, आज फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। तो पहले इमिग्रेशन ऑफिस फटाफट। सो गाइस ये बन गया मेरा परमिट एंड फाइनली दो टाइप पेपर बनते हैं अलग अलग, टोटल अमाउंट लगता है 1600 रुपीज़। तो अभी हम हैं ऑफिस में एंड फाइनली अब निकलते हैं मुस्तांग के लिए। तो इसका जो भी प्रोसेस रहेगा गाइस मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। फिलहाल अभी हम जल्दी में, तो मैं निकल रहा हूँ गाइस एंड यहाँ पे फ़ोटो ले लेते हैं। वो रहता है इमरजेंसी के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ोटो ले लो तो अच्छी बात है, इसके भी ले लो। सो गाइस ये नज़ारा आप देख पा रहे हो, तो हम फाइनली लग चुके हैं हाईवे पे एंड पहाड़ के पीक्स देखो यार, क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। जब ऐसा नज़ारा आप स्टार्टिंग में लेके निकलो तो पूरा राइड आपका ना नज़ारे से भर जाता है। तो आज मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि वेदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड अब हम लोगों ने खींच दी है बाइक। वैसे हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं बट द थिंग इज़ कि हमको आज जैसे भी कवर करना है रास्ता, तो जो भी होगा जैसे भी होगा हम ट्राई करेंगे थोड़ा स्पीडअप भी करने की क्योंकि आगे है हाईवे। हाईवे पे हम जितना हो सके हम कवर अप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो भी रास्ता जैसा भी आएगा। 12:30 बज चुके हैं तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, सुबह ही निकलने का प्लान था, परमिट वर्मिट इधर उधर, फिर मैंने भी थोड़ा लेट कर दिया उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, अब अपने को स्ट्रेच करना है जितना भी होगा। मुस्तांग इज अ राइड जहाँ पे आप ऑन रोड ऑफ रोड डेडलीएस्ट रोड भी एक्सपीरियंस करते हो, तो आज हम सब एक्सपीरियंस करेंगे गाइस। पूरी वीडियो जरूर देखना, लाइक जरूर कर देना, अच्छी लगेगी तो लास्ट तक देखना ये वाली वीडियो। हम मुस्तांग में क्या क्या करने वाले हैं, क्या हमारे साथ होने वाला है हमें कुछ नहीं पता है, आगे हम चल ही रहे हैं तो हमें पता लगने वाला है कि आगे क्या होगा हमारे साथ। बाकी नज़ारा तो आपको दिख ही रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल सीनरी एंड हमारे साथ भाई वसीम भाई पीछे पीछे आ रहे हैं दोनों फादर एंड सन। सब्सक्राइब करो चैनल, सबसे पहले बोल रहा हूँ, उनके चैनल पे भी ये वाली सीरीज आएगी मुस्तांग राइड वाली, काठमांडू राइड वाली, देखना जरूर जाके। तो गाइज चलते हैं आगे, बोर नहीं करूंगा आपको, फुल व्यू एंजॉय करते जाएंगे। ये मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल ट्रिप होने वाली है मुस्तांग की एंड मे नॉट बी क्योंकि पता कुछ नहीं है क्या होने वाला है। पोखरा से निकलते ही गाइज ये वाला रास्ता पड़ता है, ये बागलुंग जा रहा है अभी फिलहाल के लिए। वसीम भाई से मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, वो बहुत पीछे रह गए, मैं बहुत आगे आ गया हूँ एंड मैंने उनको बोला है कि ऐसे ऐसे सीधे सीधे आप आ जाओ और फिर मैं थोड़ा कॉर्नरिंग भी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फील लेते जाना है पूरी राइड का, क्योंकि मैं बेनेली को लेके जा रहा हूँ तो इसलिए मैं अपने हिसाब से थोड़ा इसको राइड करना चाहता हूँ, तो स्पीड में ही मैं चल रहा हूँ। ये बात तो मैं भूल ही गया बताना, मेरे पास फटाफट रास्ता तो मैं लगा के आ गया। देखो गरीबी कितनी छा रही है लक्स राइडर पे, तो आपका प्यार थोड़ा अभी चाहिए लक्स राइडर को, प्यार दिखाओ तो मैं एक ग्लव्स ले लूँ नया यार। कितनी ब्यूटीफुल जगह है और देखो तो पानी कितना क्लियर है गाइस,
तो मैं बहुत आगे आ चुका हूँ एंड अभी यहाँ पे लिखा रहा है पाठी चोर 2 किलोमीटर। तो अभी ज़्यादा रास्ता कवर नहीं हुआ है एंड कान मेरे सुन हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब पता नहीं लग रहा है कुछ भी, आवाज़ साउंड अच्छी तरह नहीं आ रहा है, एकदम ऐसा लगता है ना ब्लॉक हो गया है। तो वो मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पे, तो मैं रुक गया था वसीम भाई के लिए, वसीम भाई आके तू चले गए, उनको मैं दिखाई नहीं, सड़क पे खड़ा हुआ मैं दिखाई नहीं, सीधा निकल गए। तो कोई नहीं, अबे बालों का हाल ऐसे में ख़राब हो जाता है। अरे मेरा कान यार एकदम तुन हो गया है, कुछ भी साउंड नहीं आ रही है मेरे को इसमें, वो क्या ना हाइट पे से एकदम नीचे उतरा मैं, तो इसीलिए ऐसा हो गया है, हो जाता है। तो चलो वसीम भाई अभी निकल गए आगे, तो उनको मैं कवर करूँगा अब, क्योंकि मैं चल रहा हूँ स्पीड में, मैं चल रहा हूँ लैप में, और वो थोड़े स्लो चल रहे हैं क्योंकि डबल लोड है, बाप बेटा दोनों चल रहे हैं, और मैं सोलो हूँ तो मैं कैसे भी कवर कर लूँगा। यही है सीधा? अच्छा वो कौन सा है रास्ता, वो अलग है? इधर से जाए मुझे एक बार किसी ने बताया था कि बागलुंग से रास्ता अभी कटता है, बट आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड येट, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो गोबरो में विजिबल होगा या नहीं, बट एक सस्पेंशन ब्रिज है एंड आई थिंक सो यही वो ब्रिज है जिसमें से हम बाइक भी लेके जा सकते हैं, जो कि है बागलुंग में। तो गाइज अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करके बताओ कि क्या यही वो वाला ब्रिज है जो जिसमें हम बाइक ले जा सकते हैं, जो बागलुंग में है असल में। आज तक मैं बागलुंग तक आया हूँ, बागलुंग से आगे मैं गया नहीं हूँ, तो अब बागलुंग से आगे भी जाऊँगा टुवर्ड्स मुस्तांग। तो आगे मेरे को बर्फ़ के फिर से पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं फ्रॉम बागलुंग ऑल्सो। पोखरा से तो दिखते ही हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बट यहाँ से भी मेरे को दिख रहे हैं, बट ये अलग साइड दिख रहा है मेरे को, पहली बार मैं देख रहा हूँ ये वाला एरिया। डीएल ओके ओके डीएल ये सर डीएल ठीक है सर, मेरा चेक हुआ तो वसीम भाई को तो डायरेक्ट ही छोड़ दिया। चेक नहीं करा वसीम भाई आपका? हाँ हाँ साथ ही हैं, तो इसलिए बंसर एंड पेपर चेक किया गया है। ओके गाइस चलो 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 भाई, एक टाइम को तो फट गई थी मेरी, क्या हो गया। बट नहीं, जब पेपर कंप्लीट रहता है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ टूरिज्म एरिया है, यहीं पे चेकिंग चल रही है, हॉर्स राइडिंग भी हो रही है यहाँ पे, और बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए हैं, बाइक्स दिख रही है मेरे को यहाँ पे। भैया मुस्तांग के लिए रास्ता किधर से है? किधर मुस्तांग के लिए? इधर से नहीं जाता भाई। किधर से? इधर से भी जाता है लेकिन लंबा तो लंबा। इधर से जाएगा तो बहुत गड्ढा है। अच्छा सीधा जाओगे राइट लोगे, सीधा जाके राइट लेना है, राइट लेके फिर सीधा। अच्छा अच्छा मतलब इधर से भी जाएगा रास्ता। चलो 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 ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया। चलो मुस्तांग मुस्तांग इधर से ऊपर मेन हाईवे से। अच्छा ये हाईवे निकल रहा है, ओके थैंक यू। हाँ चलो 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 इधर से ही है मेन हाईवे। तो ये हम हाईवे लग चुके हैं एंड आई थिंक ये ही वाला वो बोल रहे थे, तो इधर से उन्होंने बोला है ऊपर। हाँ हाँ यही है हाईवे। तो अच्छा हमको उधर से सीधा जाना था, बट हम क्या है सिटी के अंदर घुस गए, हमको बाईपास निकलना था, तो साइड वाला रास्ता जहाँ मैं सीधा जा रहा था वही वाला रास्ता था एक्चुअल में। तो चलो और फाइनली इसी रास्ते पे हम मिल चुके हैं एंड इधर से सीधा ऊपर है, तो यही वाला रास्ता जा रहा है भाई लोग। मुस्तांग कन्फ्यूजन हो जाता है, पूछना ज़रूरी है, पूछने से क्या रहता है कि आपको अच्छा वे मिल जाएगा, फिर आप घूमोगे भटकोगे नहीं इधर उधर। मुस्तांग मुस्तांग नहीं, यही यही सीधे